हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति गुरुकुल। आज हम देखेंगे ढाई आखर जो नेशनल लेवल पर लेटर राइटिंग कंपटीशन चल रहा है, उससे बहुत सारे लोगों के मेरे को डाउट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो तो बनानी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डाउट हो रहे हैं और इसकी डेट अब क्लोज़ होने के पास आ रही, तो एक बार और आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। और भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं, मैंने गूगल पर जस्ट अभी मेंशन किया है ढाई आखर लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो ये आपको इसका वेबसाइट दिख रहा है इंडियन पोस्ट पर, ढाई आखर नेशनल लेवल लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन का ये हमें नोटिस है जो वो मिल गया है, जिसमें लिखा है जनरल कंडीशन जो है वो 1 अगस्त से ये कॉम्पिटिशन शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है आपको सबमिट करने की। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो ये सबमिट नहीं लिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और टॉपिक जो है इसका डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया, इस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 ऐसे अपलोड किए हैं, हिंदी में भी किए हैं और इंग्लिश में भी किए हैं, तो आप उस पर जाकर के देख सकते हैं, वो टॉपिक को मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा आपको। फिर डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया स्लोगन दैट इंक्लूड्स द विजन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब डिजिटल इंडिया के बारे में हमें बताना है जो भी हो रहा है, और ये किसको देना है, हमें ये लेटर किसको रिटर्न करना है, द डिटेल्स ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ डिफरेंट सर्कल आर अवेलेबल, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस पे आपको जो आप लोगों के डाउट होते हैं ना कि मैं इस स्टेट का हूँ तो मैं किसको मेंशन करूँ, किसको चीफ डायरेक्टर डालूँ ऐसे, तो फिर आपको ये वेबसाइट जो लिंक दी थी ना उस पे सभी लोगों के डिटेल्स आपको दिए हुए हैं, इवन एड्रेस भी आपको दिया होगा। लाइक मैं अभी तमिलनाडु में हूँ, तो ये तमिलनाडु ओपन किया, ठीक है। अब तमिलनाडु में ये देखिए नेम के साथ चीफ पोस्ट मास्टर तमिलनाडु से स्टेट कोड ऑफिस का एड्रेस, फिर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, फिर फैक्स, सब कुछ दिया हुआ है। आपको इससे आगे और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या चाहिए, किसको भेजना है, और ये जो लेटर है आपको चीफ पोस्ट मास्टर को ही भेजना है। तो आपको यहाँ पे सब मेंशन हो गया, तो आप 2 के नीचे सारा चीज़ मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आते हैं आपके अगले डाउट पे, कि आपका अगला डाउट क्या होता है कि ये कितने वर्ड्स का है और कितने पेजेस इसमें लगेंगे। तो और एक और डाउट होता है कि हमें एज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है क्या, तो इसमें देखिए द कॉम्पिटिशन विल बी इन फॉलोइंग कैटेगरीज, अप टू 18 ईयर्स के लिए लेटर कार्ड कैटेगरी में, एनवलप कैटेगरी में लिखना है, जो कि हमें पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है या फिर आपको कोई भी बुक स्टोर पे, बुक डिपो पे आपको मिल जाएगी। फिर अबव 18 को इन लैंड लेटर कैटेगरी और एनवलप दोनों को ही वैसे ही लिखना है। एनवलप विल स्टैम्प अफेक्ट्स विथ A4 साइज पेपर पे ही लिखना है, एंड इन हैंड लेटर राइटिंग विल बी परमिटेड स्टेशनरी। स्टेशनरी की शॉप पे आपको ये मिल जाते हैं जनरली, और पोस्ट ऑफिस में तो मिलता ही मिलता है। तो ये आपको एक डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपको A4 साइज पे ही लिखना है, और जब आपको 18 और 18 के लिए मेंशन किया हुआ है तो आप अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जिसमें बर्थ डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो सर्टिफिकेट आप डाल दीजिएगा, ताकि जो चेकर है उसको भी क्लियरिटी हो कि वो किस माइंडसेट के हिसाब से उसको चेक करे, क्योंकि एक 18 से कम एज के बच्चे का माइंडसेट अलग होता है और 18 अबव का अलग होता है। द लेटर कैन बी रिटन इन A4 साइज, द वर्ड लिमिट इज नॉट मोर देन 1000 और इन हैंड नॉट मोर देन 500, मतलब A4 साइज़ का जो पेपर है वो 1000 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इनलैंड लेटर कार्ड में 500 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। द लेटर मस्ट बी हैंड रिटन इन एनी केस, नो टाइप लेटर विल बी एक्सेप्टेड, मतलब आपको इसमें हाथ से ही लिखना है, क्लियरली मैंशनड है। अब इसकी एलिजिबिलिटी पे देख लेते हैं कि किसके लिए ये कॉम्पिटिशन एलिजिबल है। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन के ही भारतीय लोगों को ही इसमें कॉम्पिटिशन में अलाउ है, क्योंकि ये इंडियन कॉम्पिटिशन ऐसी कॉम्पिटिशन है। देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम एज, कोई भी ऐसा एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एनी एज कैन पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू हिज और कैटेगरी चॉइस और एज,
The participation have to certificate of their age letter such as I certify that I am below above the age of 18 as on 1/3 date of करके. In case of winning entries, the age and other ID certificate will be verified by the respective circle before sending the best three entries. मतलब आपको अभी तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको लेटर में ये मेंशन करना होगा ये लाइन, I certified that I am below above the age of 18. और अगर आप जीत जाते हैं तो आपका एज क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा, एज वेरीफाइड किया जाएगा कि आप उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं. तो ये प्रोसेस है इसका. फिर सिलेक्शन में द बेस्ट थ्री एंट्रीज इन सच केस शॉर्ट लिस्टेड बाय स्टेट, फिर सर्कल से होगा, फिर नेशनल लेवल पे होगा. तो ये जो सर्कल लेवल पे प्राइस है वो है फर्स्ट फोर को 25,000, सेकेंड प्राइस फोर को 10,000 और थर्ड जो चार है उनको 5,000. उसके बाद नेशनल लेवल पे 50,000, 25,000 और 10,000. ये इसका आपको ढाई आखर का मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी इस टॉपिक से. तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, डाउट क्लियर होगा हुआ होगा तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना ना भूले. और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, आप सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.